हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स वर्ल्ड। अभी काफ़ी कुछ दिनों से आप लोगों को वीडियोस नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वो टेक्निकल एरर्स थी। अभी आपको रेगुलर फिर से वीडियो मिलेंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसमें हमने लास्ट वीडियो के अंदर आप बात की थी फोटोन की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ फोटोन हमने पढ़ा था। ठीक है, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कंसेप्ट ऑफ फोटोन, फोटोन की अवधारणा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोटोन के गुणधर्म। हमारी जो हेडिंग है वो है फोटोन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, और पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिए। बिल्कुल सिंपल सिंपल पॉइंट से बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले वाला वीडियो जो फोटोन की अवधारणा है 10 मिनट 12 मिनट का है, जो छोटा सा वीडियो है इसे जस्ट पहले वाला, उसको एक बार रिवाइज कर लें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट ऑफ फोटोन, फोटोन की अवधारणा हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फोटोन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। तो फोटोन का पहला गुण ये है कि निर्वात में प्रत्येक फोटोन, निर्वात में प्रत्येक फोटोन प्रकाश की चाल से चलता है, प्रत्येक फोटोन प्रकाश की चाल। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो के नोट्स भी अवेलेबल है। सी बराबर 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड से चलता है, ये फोटोन का पहला गुण हो गया। एवरी फोटोन ट्रेवल्स विथ द स्पीड ऑफ लाइट, विथ द स्पीड ऑफ लाइट सी इज इक्वल टू 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। दूसरा जो फोटोन का गुणधर्म है, फोटोन का गुण है, फोटोन की जो प्रॉपर्टी है, अगर आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछता है फोटोन का मतलब, फोटोन की अवधारणा पूछता है, कंसेप्ट ऑफ फोटोन, तो इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर जो हमने डिटेल्स पढ़ी थी वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सिंपल है कि निर्वात में प्रत्येक फोटोन जो है वो प्रकाश की चाल सी बराबर 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड से चलता है। एवरी फोटोन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट सी इज इक्वल टू 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। दूसरा जो पॉइंट है कि फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है, ये पॉइंट हम पिछले वाले वीडियो के अंदर भी लिख चुके हैं। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है तथा यह एक विद्युत उदासीन कण है। बिल्कुल सिंपल सिंपल पॉइंट है, तथा यह एक विद्युत उदासीन कण है। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो एंड इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। इस लाइन पर अलग से क्वेश्चन आ सकता है, सेकेंड लाइन के ऊपर। थर्ड जो है कि जो फोटोन जो है विद्युत उदासीन होता है, फिर से ये लाइन लिखनी है जो अभी हमने सेकेंड पॉइंट का लास्ट सेंटेंस लिखा, फोटोन एक विद्युत उदासीन कण है। अतः इसे विद्युत क्षेत्र, इसे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं कर सकते, चुंबकीय क्षेत्र दोनों से विक्षेपित नहीं किया जा सकता है। क्या मीनिंग हुआ इसका, मैं एक बार इसको इंग्लिश में भी लिख लेता हूँ फिर इस पॉइंट को समझा देता हूँ। फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, सो इट कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड
by using electric field and magnetic field. क्या मीनिंग हुआ बेटा इस सेंटेंस का? इस सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ कि चाहे मैं विद्युत सेक्टर लगा दूं या चुंबकीय सेक्टर लगा दूं, मींस मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो भी फोटोन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोटोन सीधा निकल जाएगा. ठीक है, ये मीनिंग हुआ इसका. नेक्स्ट जो है इसके अंदर आपको मेंशन करना है फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल वही लिखनी है जो हमने पीछे फोटोन की अवधारणा में लिखी थी. फोटोन की अवधारणा जो हमने लिखी थी ना, उसी के पॉइंट्स लिखने हैं. कंसेप्ट ऑफ फोटोन का कि फोटोन की निश्चित आवृत्ति होती है, ऊर्जा होती है, निश्चित ऊर्जा होती है, निश्चित संवेग होता है, निश्चित संवेग होता है. बिल्कुल सिंपल हेडिंग है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसके अंदर. ठीक है, फोटोन हैज फिक्स एनर्जी एंड फिक्स मोमेंटम. अब वो कौन सा होता है? इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू की जगह सी अपॉन लेमडा, और मोमेंटम कहाँ से आया था? लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. ये फॉर्मूले सब अपन ने पीछे यूज किए थे, आप लोगों को याद हो तो. और एच को हम कहते हैं प्लांक नियतांक, ये सब इसमें लिखना है आपको. प्लांक कांस्टेंट. फोर्थ पॉइंट की जो डिटेल है जस्ट इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर है, वो है 6.62 × 10⁻³⁴ जूल इंटू सेकेंड. अब मैं आपसे वापस वादा करता हूँ कि आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगे डेली. अब जो दो पॉइंट्स मैं लिखने जा रहा हूँ वो थोड़े से लॉजिकल हैं. यहाँ तक एक बार काम करो, वो फिर से देखो. देखो कि निर्वात में प्रत्येक जो फोटोन है वो प्रकाश की चाल c बराबर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलता है. एवरी फोटोन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू 3×10⁸ मीटर पर सेकंड. अब बच्चों धीरे धीरे ये चैप्टर जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड का होता जाएगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो से आप लोग ध्यान दें. कल ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा. फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है तथा यह एक विद्युत उदासीन कण है. द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो एंड इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल. थर्ड पॉइंट है कि फोटोन एक विद्युत उदासीन कण है, अतः इसे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों से विक्षेपित नहीं किया जा सकता है. यानी फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, सो इट कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय यूजिंग आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. फिर नेक्स्ट पॉइंट कि फोटोन की एक निश्चित ऊर्जा होती है, निश्चित संवेग होता है, फोटोन की एक फिक्स एनर्जी होती है और फिक्स मोमेंटम होता है. फिर आपको ये सब मेंशन कर देना है इसको. ओके, अब जो मैं आपको नेक्स्ट दो पॉइंट्स लिखवाने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, थोड़े बड़े भी हैं, उनको आपको समझना है. मैं देखो समझा देता हूँ आपको इनके अंदर. चलो पहले इसको लिख देता हूँ शॉर्ट में, ताकि आपको पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है. ठीक है, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ कि फोटोन जो है, ध्यान से समझना, किसी भी द्रव्य कण, जैसे कि उदाहरण के लिए कोई इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, उससे संगत कर सकता है. संगत यानी टक्कर कर सकता है भाई. ठीक है, और इस समय कुल ऊर्जा और कुल संवेग वो संरक्षित रहेंगे, वो नहीं बदलेंगे. ध्यान से समझना. अब जो है कि फोटोन जो है, फोटोन का अवशोषण भी हो सकता है तथा फोटोन का उत्सर्जन भी हो सकता है. इसका मतलब फोटोन जो है कम ज़्यादा हो सकते हैं, अतः फोटोन की संख्या संरक्षित रहना आवश्यक नहीं है. आप इसको एक बार फिर से रीड करें, आपको समझ में आ जाएगा. मैं एक बार इसको इंग्लिश में भी लिख लेता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ.
फोटोन कैन कोलोइड, यानी कोलिजन हो सकता है, टक्कर हो सकती है विथ एनी मैटर वेव पार्टिकल या मैटर पार्टिकल. ओके, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन. एंड टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड. फोटोन कैन बी ऑब्जर्व्ड और फोटोन कैन बी इमिटेड. हैंस द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कैन नॉट बी कंजर्व्ड. इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि फोटोन जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन से या किसी भी अन्य पार्टिकल से वो है टक्कर कर सकता है, कोलिजन हो सकता है उन दोनों के बीच में. गॉट माई पॉइंट? ठीक है. और इस समय कुल ऊर्जा और कुल संवेग जो है वो संरक्षित रहेंगे, यानी टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा. फोटोन का अवशोषण भी हो सकता है और फोटोन का उत्सर्जन भी हो सकता है, यानी फोटोन जो है वो अब्जॉर्ब भी हो सकता है और इमिट भी हो सकता है. मतलब अगर अब्जॉर्ब हो गया, इमिट हो गया, तो इसका मतलब अवशोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, तो उसकी संख्या तो बदलने से बदल सकती है, तो फिक्स हो गया. यानी उसकी संख्या संरक्षित रहे, उसका नंबर कंजर्व्ड रहे, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है. इस पॉइंट्स को आप फिर से पढ़े, एक बार समझे इसको. क्या है कि फोटोन जो है वो किसी भी द्रव्य कण से टक्कर कर सकता है. मीन्स फोटोन जो है वो किसी भी पार्टिकल से, चार्ज पार्टिकल से या मैटर वेव पार्टिकल से कोलाइड कर सकता है, ये टक्कर हो सकती है दोनों के बीच में. लेकिन टोटल एनर्जी, टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा. फोटोन का अब्जॉर्प्शन हो सकता है, फोटोन का इमिशन हो सकता है. इसका मतलब अगर इमिशन हुआ, अब्जॉर्प्शन हुआ, तो कुछ फोटोन या तो नया आ जाएगा या कोई फोटोन गायब हो जाएगा. इसका मतलब जो उसका जो टोटल नंबर है वो कंजर्व्ड रहे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. गॉट माई पॉइंट एवरी वन? अब जो लास्ट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. पूरा ध्यान से समझे इसको. पहले हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लेता हूँ, साथ साथ में आप समझते जाना, तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. यदि किसी निश्चित आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए, इस पॉइंट्स को आप बहुत ही ध्यान से समझना. यदि किसी निश्चित आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो किसी दिए गए क्षेत्रफल से दिए गए समय में गुजरने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है. लेकिन कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, यथावत रहती है, यानी सेम रहती है, वो बदलती नहीं है. ये सिक्स्थ नंबर जो पॉइंट है ना बच्चों, वो आइंस्टीन के द्वारा जोड़ा गया है. ये आइंस्टीन की व्याख्या आएगी अभी आगे, आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, उसके अंदर भी ये पॉइंट आएगा. तो इसके अंदर हुआ, इसका मीनिंग एट अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी इफ वी इंक्रीज the value of intensity, then for a given area and given time, number of photons
will increase, but its energy will be same. ये सिक्स्थ नंबर पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। क्या मीनिंग हुआ इस पॉइंट का, कि आवृत्ति जो है वो मैंने निश्चित कर दी और तीव्रता मैंने बढ़ा दी, तो केवल फोटोनों की संख्या बढ़ेगी, ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, नहीं कम होगी, ऊर्जा वही की वही रहेगी, कुल ऊर्जा। मीन्स अगर मैंने फ्रिक्वेंसी कॉन्स्टेंट कर दी और इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी, तो ओनली टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, उसकी एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये जो दो वर्ड लिखे हुए ना, दिए गए क्षेत्रफल और दिए गए समय में, यानी फॉर अ गिवन एरिया एंड फॉर गिवन टाइम, ये इस लाइन को सेफ साइड बना रहे हैं, यानी ज़्यादा सिक्योर कर रहे हैं इस लाइन को। यानी कि हमारे पास में कोई धातु है, मेटल है, उसका एरिया दिया हुआ है और एक फिक्स टाइम के लिए हम लोग उसके ऊपर लाइट ला रहे हैं, उसके ऊपर लाइट को स्ट्राइक करवा रहे हैं, ठीक है, धातु की सतह पर प्रकाश आपतित हो रहा है। तो आवृत्ति को तो मैंने कर दिया निश्चित, यानी फ्रिक्वेंसी को तो कर दिया कॉन्स्टेंट, ठीक है, और तीव्रता जो है वो बढ़ा रहा हूँ, इंटेंसिटी को मैं बढ़ा रहा हूँ, यानी तेज़ तेज़ लाइट लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, फोटोनों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि लाइट जो है फोटोन की फॉर्म में तो आ रही है, लेकिन कुल ऊर्जा जो है वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी किसी दिए गए निश्चित आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए, तो दिए गए क्षेत्रफल से दिए गए समय में गुजरने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन कुल ऊर्जा सेम रहती है। एट अ फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी इफ़ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, देन फॉर अ गिवन एरिया एंड गिवन टाइम नंबर ऑफ फोटॉन्स विल इंक्रीज बट इट्स एनर्जी विल बी सेम। ये है बच्चों इसके अंदर, ये छः जो है ये फोटोन के गुणधर्म है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आए होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो के नोट्स भी पड़े हैं, और आप इस वीडियो को दो बार देख लें, आराम से समझ लें। और इस सिक्स्थ पॉइंट को तो आपको एग्जैक्ट याद रखना है, फिफ्थ को भी याद रखना है। फिफ्थ और सिक्स्थ को आप चार पांच बार लिखोगे याद हो जाएगा, बाकी आगे वाले पॉइंट्स तो बिल्कुल ईजी थे, कोई दिक्कत नहीं थी इनके अंदर। तो ये आज हमने पढ़ा है फोटोन के गुणधर्म। नेक्स्ट वीडियो आपको कल ही मिल जाएगा, तो बने रहिए इसी चैनल के साथ। थैंक यू।